चलिए ये है जीरो पॉइंट का फुल नज़ारा, काफ़ी बर्फ़ है, अभी मैं बर्फ़ के ऊपर चल रहा हूँ। प्लीज शेयर अस अबाउट द गुरु डूंगर, हाउ वाज द गुरु डूंगर? इट वाज ब्यूटीफुल बट इट्स वेरी ट्रिकी बिकॉज इट्स ऑन अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड सो यू गेट सिक एंड ऑल। हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं लाचुंग और कल जाएंगे जीरो पॉइंट। ये हमारे सर आए हैं सूरत गुजरात से और ये मैम है। आप कैसे रहा आज का अभी तक का जर्नी? बहुत बढ़िया वेदर अच्छा था। अभी तो हम स्टिल बॉब टी पॉइंट में है, यहाँ से और एक घंटे के बाद लाचुंग पहुँचेंगे, उसके बाद कल जीरो पॉइंट में मिलेंगे। सी यू, बाय बाय। अच्छा गुड मॉर्निंग फ्रॉम जीरो पॉइंट, दिस इज जीरो पॉइंट। अभी भी काफ़ी बर्फ़ है जीरो पॉइंट में, ठंडे बहुत बढ़ गए हैं लेकिन, है ना। अभी जीरो पॉइंट लास्ट पॉइंट तक आ रहा है ना। आप लोग अभी निश्चिंत होके आइए, नो प्रॉब्लम बर्फ़ के लिए। ये देखिए आग वाग जला रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हेलो हेलो, कैसे आप लोग? ठीक है, एकदम बढ़िया है। ठीक है, आप लोग का सर्विस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जीरो पॉइंट में। आप चाय पी लीजिए। हाँ, कॉफी या चाय पिएगा? कॉफी पीऊंगा मैं तो। जीरो पॉइंट का कॉफी बढ़िया है अनु। ठीक है, यहाँ पे मिलता है कॉफी, पॉपकॉर्न और मैगी, चाना, क्या क्या मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। ये देखे गरम गरम कॉफी, थैंक यू वेरी मच। एंड दिस इज स्पेशल कॉफी इन जीरो पॉइंट, है ना, ये पीता हूँ खाता हूँ। ये छोटे छोटे स्टॉल्स है जीरो पॉइंट का, यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा, अंडे भी है, ड्रिंक भी है, पॉपकॉर्न्स, सब दिखाता हूँ मैं अभी जीरो पॉइंट का। कैसा लगा जीरो पॉइंट आपको? काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग कहाँ से है दादा? एक्चुअली हम लोग आ रहे हैं पटना से, बट हम लोग का प्लान था मनाली ट्रिप का, लेकिन फिर हम लोग सडन रॉन्ग टाइम। अच्छा, गैंगटॉक का मतलब हो गया। तो कैसे लगा? रिग्रेट है? नो रिग्रेट, खूबसूरत है, नो रिग्रेट, नो रिग्रेट। अच्छा, प्लान एक्सचेंज हो गया, नो रिग्रेट, नो रिग्रेट, इवन और अच्छा हुआ कि प्लान चेंज हो गया। ओह अच्छा अच्छा, ये गम शू पहन के जाना पड़ेगा बर्फ में, ताकि आपका जूते गीले नहीं हो और ख़राब नहीं हो, ठंडा ना हो, फिर गीला हो गया तो बहुत ठंडा मारेगा आपको। एक घंटा सर थोड़ा बर्फ में गीला नहीं होगा आपका, शूज गीला नहीं। मेन तो वही है। हाँ बोलिए, वहाँ जा रहे हैं अभी। हाँ भी जाइए, मिनट के बाद साथ में आ जाए तो फोटा फोटा ले। हाँ मैं तो कुछ खा के ही जाऊँगा, है ना, मैं तो नहीं खाऊँगा तो मेरे को ना फिर बीमार पड़ जाएगा, सर पकड़ता है इसीलिए। ये देखो आग बहुत जरूरी है यहाँ पे, बहुत जरूरी है। ये जैसे ये भैया जैसे इसका मजा ले रहे हैं। मुझे मैगी खाना। हाँ तो एक मैगी कर दो, नहीं निकालेगा होगा। और कॉफी, ये ब्रांडी क्या चाहिए? ब्रांडी क्या चाहिए? चलो गरम गरम कॉफी, गरम गरम कॉफी इन जीरो पॉइंट लेना पड़ेगा, बहुत ठंडा है, नहीं तो नहीं होगा। लीजिए लीजिए, कैसे लगता है जीरो पॉइंट में कॉफी? अभी ये सर और मैडम 15-20 मिनट से हिल नहीं पा रहा है जीरो पॉइंट में, वो क्या रहा है बताइए पहले। वो आ गया आपका मैगी सर। अच्छा ठंड की वजह से, बहुत ऑसम ऑसम, एकदम बढ़िया लग रहा है जीरो पॉइंट। ओके, आप दूसरे टूरिस्ट को क्या क्या रिकमेंड करेंगे? क्या विजिट, एक बार विजिट करो इधर जीरो पॉइंट में, है ना, एक बार आ जाओ, मस्त है, मस्त है। मैगी कैसा है? मैगी बहुत अच्छा है। ठीक है, पापा कहाँ जा रहे हैं? जाएगी कहाँ पर? बच्चे यही तक भी आते जाएंगे। ठीक है अभी चलते हैं।
नदी के पार और जीरो पॉइंट में है ना, इसमें भी पूरा ठंडा है। तो यहाँ पे एक नदी पार करके जाना होता है आपको, सब लोग जाने में आपको ये ब्रिज पार करके जाना पड़ेगा वन एट अ टाइम। अभी हम पूरा स्नो लैंड में है, ये देखिए, बाप रे ठंड तो काफी है। लेकिन चलिए ये है जीरो पॉइंट का फुल नज़ारा, काफी बर्फ है। अभी मैं बर्फ के ऊपर चल रहा हूँ, अभी 15-20 दिसंबर के बाद ये जीरो पॉइंट आना पॉसिबल नहीं रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाएगा। अभी भी बहुत ज़्यादा स्नो है। ये आपका 14,500 ऑल्टीट्यूड में है और बहुत ठंडा है अभी यहाँ पे। जितने लोग आप लोग आ रहे हैं गर्म जैकेट्स लेकर आना पड़ेगा, आप लोगों को ग्लव्स भी लेकर आना पड़ेगा, मफलर टोपी सब मास्क लेकर आना पड़ेगा, तभी आपको होगा, तब आपको अच्छा होगा। नहीं तो यहाँ पे ठंडा भी बहुत बढ़ गया है, लेकिन काफ़ी टूरिस्ट आ रहा है अभी है ना। तो आप लोग जितने लोग भी आ रहे हैं आप लोग आराम से आ सकते हैं, डोंट वरी अबाउट द स्नो, स्नो प्लेंटी ऑफ स्नो आर स्टिल इन जीरो पॉइंट, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे में, ये देखिए पूरे पहाड़ भी ढके हुए हैं है ना। और अभी करीब करीब 9 बजने को है, हम लोग बहुत जल्दी आ गए थे, और ये नज़ारा पाने के लिए आप लोगों को भी बहुत जल्दी आना पड़ेगा। ये अनटच है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ है ना। मुझे भी बहुत ठंडा लग रहा है, मैं तो कितना 10 साल से यहाँ आ रहा हूँ फिर भी बहुत ठंडा लगता है मुझे। और अल्टीमेट जीरो पॉइंट बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ठंडा भी है ना। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे जीरो पॉइंट में बर्फ़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कोई बोल रहे हैं हम लोग 8 जनवरी को आ रहे हैं, नहीं 8 दिसंबर को, 14 दिसंबर को, 12 दिसंबर को, लेकिन बहुत बर्फ़ है, डोंट वरी आप लोग जीरो पॉइंट आ सकते हैं। ओके, ये जीरो पॉइंट का वीडियो अभी मैं यहीं बंद कर रहा हूँ, काफ़ी ठंड लग रहा है, आगे भी मैं अपडेट करूँगा। आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय। Hi. Hi. How are you? I'm fine, fine. Okay. Where are you from? I'm from Mumbai. Mumbai, okay. This is first time? Yeah, yeah. In Sikkim? Yeah, it's very beautiful. How are you feeling in zero point? I'm feeling amazing because it's my first time seeing the snow and everything. So. Okay. Yeah, it's good. This is very first time? Yeah, yeah. Okay, you have not seen ice before? No, no. No, yesterday we went to Gurudongmar. Gurudongmar. What was that? Yeah, Guru Dungmar, yeah, Kalapathar. 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 But it was very cold, so I couldn't enjoy the snow. So today I'm enjoying it. Okay, okay. So are you alone or with family? No, I'm solo. I'm traveling solo. Solo? Yeah. What a daring year. So why you are doing solo? I love actually doing solo trips. It's like therapy for me. It's so, a therapy, yeah. Okay. So I try to travel solo a lot. So okay. This is my first time in Sikkim.
Okay. Yeah, having fun. You did many places also? Solo trip? Yeah. I went on a backpacking trip in Northeast for 40 days. Northeast means? Assam, Meghalaya, okay. Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur. So I was there for 40 days. Okay. I did solo backpacking. Okay. Then my first backpacking trip was in Pondicherry. Okay. I went there twice. Is it okay to say that how you managed to do this all? I mean, expenses and all things. I'm not earning right now, so okay. My parents kind of give me money. But I try to be on budget and everything. What a lucky girl you are, because your parents are very supportive. Yeah, extremely. And they are very positive. Otherwise, yeah. Other parents don't allow. Yeah. They trust me a lot as well, so they let me go. Are you studying or what? Yeah, I'm doing my master's. Master's in what stream? In philosophy. In philosophy. Yeah. Okay. So thank you very much for your sharing experience. You're welcome. Okay. This video will be uploaded to YouTube, okay? Okay. What's your YouTube channel? Okay, I'll give you my name. Okay. Happy anniversary. Thank you. मैं गिर गया यार, मैं गिर गया, उल्टा हो गया ये तो। आराम से ये यहाँ कहाँ गड्ढा था क्या? ठीक है, थैंक यू। ओके। हेलो सर, हाय, कैसा लग रहा है अभी 0 पॉइंट में बताइए? बहुत अच्छा। आप दोनों को वेरी वेरी जन्नत में। ओके, आप दोनों को वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी इन 0 पॉइंट। ये सर दोनों का आज एनिवर्सरी है। और फीलिंग्स कैसा है 0 पॉइंट का? कुछ बता नहीं सकते। अच्छा, ऑसम ऑसम फीलिंग है। कई और दुनिया में है। अच्छा, इधर ही रहना ऐसा लग रहा है। अच्छा, नहीं आना चाहिए। यहाँ का सीन, यहाँ का जो व्यू है, देखने लायक है। आप दूसरे गेस्ट को क्या बोलेंगे? सूरत वाले को एक बार विजिट करो इधर। हाँ, एक बार तो आना ही चाहिए। You will love it. Yes. अभी हम लोग यहाँ रुकेंगे और 10-15 मिनट, उससे ज़्यादा रुक के फिर हमको तबीयत खराब नहीं करना है और वापस जाना है। मैम का तो कल से थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग्स। बाय। कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। इधर आइए। ओके, सी वेंट यस्टरडे टू गुरु डंगवर। या। And please share us about the Guru Dungwar. How was the Guru Dungwar? It was beautiful, but it's very tricky because it's on a very high altitude. Okay. So you get sick and a lot of people vomited and everything. So keep your medicines handy and take care of your health. Okay. काफी लोग बेहोश भी हो गए थे। हाँ, बेहोश हो गए थे, उल्टियाँ कर रहे थे। तो ये हम आपको डराने के लिए या आपको टूर प्लान कैंसिल करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। Exactly. हाँ। वहाँ पे क्या होता है ये थोड़ा सा शेयरिंग कर रहे हैं। तो बस मेडिसिन लेके जाए, जो भी लेके जाएंगे, और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो गर्म कपड़े पहन के जाइए और दवाई लेके जाइए। और अगर वहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है कि ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है, ब्रीदिंग का और ज्यादा ब्रीदिंग होगा तो आपको मूवमेंट कम करना होता है, क्योंकि एनर्जी कंज्यूमेशन हो जाता है। जब आप मूवमेंट करेंगे तो एनर्जी कंज्यूमेशन, फिर ऑक्सीजन का डिमांड बॉडी में बढ़ जाता है तो और प्रॉब्लम होता है। तो आपको गाड़ी में बैठे रहना होता है। और आपको अस्थमा है और ब्लड प्रेशर है और हार्ट का थोड़ा तकलीफ है, तो शायद मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस से मैं ये बोल रहा हूँ, है ना। अदरवाइज गुरु डंगवर का है तो ब्यूटीफुल है, सुंदर, बहुत सुंदर, वर्थ है और ब्यूटीफुल है। सो ये मैम कल जाके आया है तो थोड़ा सा हमारे साथ शेयरिंग किया। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। यू आर वेलकम। हो जाएगा, एक बूमरिंग ले लो। ओके सर, चलते हैं। बूमरिंग नहीं होगा, बहुत हार्ड है ना, इसलिए। ओके, लेट्स गो। हाँ ठीक है, अभी हम चलते हैं। बर्फ हाथ में नहीं आ रहा है ना, इसीलिए
मेरे बुआ जी ने क्या आदेश दिए काम तो नहीं था तो आप लोग चलो अभी यहाँ से चलते हैं। बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है और सब लोग बच्चे को रोना आ गया, सब लोग रो रहे हैं ठंडे की वजह से। तो ये 0 पॉइंट का आज का वीडियो इतना में रख देते हैं, चलो चलते हैं। तो ये युमथांग वैली है। युमथांग वैली में अभी बर्फ नहीं है, पहाड़ों में है, लेकिन ऊपर ऊपर पहाड़ों में है। पहाड़ों में तो हम नहीं चढ़ सकते, लेकिन वैली में नहीं है अभी, ना फ्लावर है ना। लेकिन यहाँ का ब्यूटी डिफरेंट टाइप का ब्यूटी है अभी देखिए, इसलिए आप लोगों को युमथांग में हर सीजन में हर टाइप का आपको व्यूज मिलता रहेगा, सीनिक ब्यूटी मिलता रहेगा। सो 0 पॉइंट में काफ़ी है, अभी हम जाके आए है ना, वीडियो आप देख लीजिए 0 पॉइंट का भी, ठीक है।